अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। मैं हूँ सोबिया अली। सबसे पहले एक नज़र बैनुल अक़वामी मंज़रनामे पर होने वाले अहम वाक़यात पर। बैनुल अक़वामी मंज़रनामे से हम आपको ये खबर दे रहे हैं, सदर ट्रंप जो बाइडन की तकरीब हल्फ बर्दारी से पहले वॉशिंगटन छोड़ देंगे। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो जो बाइडन की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 20 लाख से तजावज़ कर गई। टावर ऑफ लंदन का एक और कौवा गायब, बरतानिया बुर्द बात होने वाला है क्या? अमेरिका ने शामी समेत मुतहद चीनी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। एशिया में कोरोना के बाद एक और जानलेवा वायरस फैलने का खतरा। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स का तजर्बा कर लिया। शुमाली कोरिया में दुनिया के सबसे ताकतवर आपदोज बैलिस्टिक मिसाइल की रोनमाई। इस बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग सबमरीन में जापान तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत है। अवामी तनकीद के बाद व्हाट्सएप ने डेटा शेयरिंग की डेडलाइन में तौसीक कर दी। चीन का सालाना तातीलात ना करने वाले मुलाजमीन के लिए पुरकशिश मराद का ऐलान। यहाँ बुलेटिन में शामिल करते हैं पाकिस्तान के मंजरनामे से होने वाले अहम वाक़यात की तरतीब व तफसील। पाकिस्तानी वारंट नवाज शरीफ के बरतानिया में क़याम पर असरअंदाज नहीं हो सकते। बरतानिया, हम नवाज शरीफ के बरतानिया क़याम से बाखबर हैं। बरतानिया के इमिग्रेशन के कवानीन वज़ा हैं। बरतानवी दफ्तर खारजा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, आवाम को कैसे मामू बनाया गया? ओग्रा ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफा तजवीज़ किया। एक माह के दौरान पाकिस्तानी 46 अरब की चाय पी गए। हुकूमत एक बार फिर सस्ती LNG खरीदने में नाकाम। हुकूमती नाहली की वजह से कौमी खजाने को पहले ही 122 अरब रुपये का नुकसान हो चुका है। पंजाब भर में स्कूल 25 जनवरी के बजाय 1 फरवरी से खुलेंगे। और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने तारीख में तब्दीली का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना ने मजीद 45 जाने ले ली। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना में 2432 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कराची के इलाके गिजरी में ख्वाजा सरा का बेदर्दी से कत्ल। बुलेटिन में यहाँ शामिल करते हैं दिलचस्प अजीब दुनिया से अजीब व गरीब खबरें। मालदीव पर आग का ज़ाती जजीरा, 24 घंटे का किराया $80,000। मालदीव ने बैनुल अक़वामी सयाहों की आमद की इजाज़त दे दी है, ताहम इन्हें कुछ अरसा करंटीना में रहना होगा। सेहत की दुनिया से आपको खबर देते हैं, हफ्ते में 3 मरतबा एस्प्रिन छाती और मसाने के कैंसर से बचाए। 1.5 लाख अफराद पर किए गए तफसीली सर्वे से मालूम हुआ है कि एस्प्रिन कई इकसाम के कैंसर से बचाती है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से आपको खबर दे रहे हैं, यूट्यूब ने वीडियोस और ई कॉमर्स के 2 अहम फीचर्स पेश कर दिए। एक फीचर से आप वीडियो में अशिया टैग कर सकते हैं, जबकि दूसरा फीचर आपको लोडिंग के 24 घंटों का डेटा दिखाता है। बिजनेस वर्ल्ड में आपको लिए चलते हैं, पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा 1 अरब डॉलर का इमाराती कर्जा मौखर होने का इम्कान। माहदे के मुताबिक कर्ज अस खुद 1 साल के लिए मौखर हो जाएगा। सीनियर अफसर वजारत खजाना। 2020 टेलीकॉम सेक्टर ने 278 अरब खजाने में जमा कराए। PTA मौसम गर्मा में गैस फराहमी सनअती शोबे ने हकूमत को पेश की तहफात से आगाह कर दिया। पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने 1500 स्कीमों पर काम मुकम्मल कर लिया। आपको लिए चलते हैं शोबिज वर्ल्ड में, बॉलीवुड अदाकार जिन्होंने अपने बचपन की दोस्तों को जीवन साथी मुंतखब किया। बॉलीवुड में ऐसी कई जोड़ियां हैं जिनकी मोहब्बत बचपन या फिर लड़कपन से शुरू हुई। मेरे अदाकार होने की वजह शाहरुख खान है, राजकुमार राव। लोग मुझे आजकल मुंह बंद रखने का मशवरा देते हैं, अमिताभ बच्चन। अदाकारा हीरामानी का पहला ही गीत अवाम में मकबूल। सल्लू मियां कोरोना के खौफ से बायो सिक्योर बबल में चले गए। वरुण धवन की शादी की तारीख सामने आ गई। सजल अली हॉलीवुड में एंट्री के लिए तैयार।
बुलेटिन के इख्तिताम पर शामिल करते हैं खेलों की दुनिया से अहम खबरें। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम की 14 साल बाद पाकिस्तान आमद। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट और 3 20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। पहला टेस्ट आबिद अली को नए पार्टनर्स का साथ मुयसर होगा। T20 स्पेशलिस्ट की टेस्ट स्क्वाड में शमूलियत। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 20 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। हसन अली की वापसी। लाहौर हाई कोर्ट ने बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का सेशन कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। इसके साथ ही अब तक की OPTV ग्लोबल से खबरों का वक्त यहाँ खत्म हुआ जाता है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। सोबियाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।